नमस्कार, टीवी वन इंडिया के फेस टू फेस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि 2021 साल चल रहा है और इस साल ही नवी मुंबई महानगर पालिका का चुनाव होने वाला है। हालांकि यह चुनाव पहले के चुनावों से अलग है, क्योंकि इस बार ऐसा हो रहा है कि जो एक दूसरे की दुश्मन पार्टियां थी, जैसे शिवसेना और कांग्रेस एनसीपी, वो आज एक साथ चुनाव लड़ने की तैयारी में है और उनके मुकाबले में अकेली खड़ी है भारतीय जनता पार्टी। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए इसलिए भी इस बार का चुनाव थोड़ा चुनौती भरा है, क्योंकि कई दिग्गज नगर सेवक, कई सीनियर नगर सेवक पार्टी छोड़कर सत्तारूढ़ दलों में, शिवसेना और एनसीपी में जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता नई मुंबई में आ रहे हैं और बड़े प्रमुख नेताओं के साथ चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से इस चुनाव में महाविकास आघाड़ी को हराने की रणनीति बना रहे हैं, किस तरह से महाविकास आघाड़ी को हराया जाए, इसकी रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए नई मुंबई महानगर पालिका 2021 का चुनाव कितना चुनौतीपूर्ण भरा है और किस तरह की रणनीति पर काम चल रहा है, इन्हीं सब तमाम मुद्दों और सवालों को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं बीजेपी के सीनियर लीडर और नई मुंबई के जिलाध्यक्ष रामचंद्र घरत साहब का। घरत साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल आपसे हम यही करना चाहेंगे कि सवाल नहीं है, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई कि आपको लगातार तीसरी बार ये जिलाध्यक्ष की कमान सौंपी गई है। निश्चित तौर पर ये आपकी काबिलियत का एक संकेत है। कितना चुनौतीपूर्ण भरा रहा है ये दौर आपके लिए बतौर जिलाध्यक्ष? चुनौती तो जब से मैं जिलाध्यक्ष बना हूँ तब से ही है, ऐसा कुछ नहीं कि नया ऐसा कुछ नहीं है। राजनीति में ये सब चीज़ चलती ही है। तो चुनौती भरा ये नई मुंबई का हमारा बीजेपी का रास्ता एक अभी आसान की तरह चल चुका है, और आने वाले टाइम में कि ये नई मुंबई की नागरिक है, जनता है, ये जनता भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बहुत बड़ा पैमाने पे विश्वास रख रही है। येस, येस। और ये विश्वास का फल आने वाले दिन में आपको दिखेगा। सर, जैसा कि अभी हाल के दिनों में देखें तो बीजेपी के कई जो बड़े नगर सेवक हैं, ऐन मनपा चुनाव जबकि घोषणा होने वाली है और उससे पहले पार्टी को छोड़कर सत्तारूढ़ दलों में गए हैं, आप इसे कितना खतरनाक मान रहे हैं? चुनाव से पहले इस तरह से पार्टी के सीनियर नगर सेवकों का छोड़ के जाना कितना नुकसानदायक आपकी नज़र में है? वैसे तो दादा गणेश जी नाइक साहब हमारे पार्टी में आने से एक बहुत बड़ी ताकत हमारी बढ़ गई है। इस तरफ मंदाताई बहुत बड़े पैमाने पे अपना काम कर रही है, उनको तो कार्य सम्राट बोला जाता है, बहुत सारे काम कर रही है, उससे जनता बहुत प्रभावित है। उस तरफ हमारे रमेश जी पाटिल साहब भी है, कोली महासंघ के अध्यक्ष है, जो MLC है, कोलियों को पकड़ के बराबर जम के बैठे हुए हैं, और मैं भी एक प्रकल्पग्रस्त हूँ, एक जिले का 4.5 साल से अध्यक्ष हूँ, आगे भी बढ़ रहा हूँ। तो ये हमारी टीम है ना, ये टीम एक होके अभी कल से एक वातावरण चेंज हुआ है, एक होके काम करेगी। और आपने बोला कि नगर सेवक चले गए हैं, दादा गणेश जी नायक साहब के लिए कुछ नया चीज़ नहीं है। हर इलेक्शन में 95 से लेके 2015 तक हर इलेक्शन में नायक साहब को छोड़ के चले जाने वाले लोग बहुत हैं, लेकिन नायक साहब के ऊपर जो जनता का जो प्यार है वो प्यार बरकरार रहेगा, बरकरार है, उसका पूरा विश्वास है हमको। और इस तरफ से मंदाता ही एकदम जम के संगठन के गए 5 साल से संगठन के साथ काम कर रही है, संगठन पूरी तरह जम के उनके साथ काम कर रही है, वो भी एक अच्छा काम वहाँ से हो रहा है। मैंने अभी बोला कोली महासंघ से रमेश दादा भी काम कर रहे हैं, हम लोग सब काम कर रहे हैं। और हालांकि इतिहास देखेगा तो हर बार ऐसा ही होता है कि जो नगर सेवक बड़े बन जाते हैं वो छोड़ चले जाते हैं। ऐसे पहले भी आपने देखा होगा, आज से उस दिन में जो नगर सेवक है, बड़े दमंग नगर सेवक आप बोला जाता है, सब नायक साहब के तो चेले थे और वहाँ से तो निकले हैं, तो उसका असर मेरे को लगता नहीं कुछ होएगा। एक असर जरूर होएगा कि इस बार पहली बार भारतीय जनता पार्टी का झंडा इस महानगर पालिका पर लगेगा। ये आपने जो बात कही, ये सारे के सारे जो नगर सेवक आज पार्टी छोड़ के जा रहे हैं या जाने वाले, पहले जा चुके हैं, वो निश्चित तौर पे गणेश नाइक के ही चेले रहे हैं, उन्हीं के कार्यकर्ता रहे हैं। गणेश नाइक जी ने खुद कहा कि इस तरह के लोगों का आना जाना हमने पहले से देखा हुआ, लेकिन एक जो बड़ी चीज़ जो सामने निकल कर आई है कि आपके एक सीनियर लीडर आए थे प्रवीण दरेकर, जो विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने पुलिस कमिश्नर को एक शिकायत दी कि शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी
हमारे जो बीजेपी के नगर सेवक उनको डरा धमका कर लीगल केस और फर्जी केस करने का चेतावनी देकर पार्टी से फोड़ने की कोशिश कर रही है। ये कितना गंभीर है कि इस तरह की राजनीति नवंबर में पहले नहीं हुई थी और अब इस तरह की राजनीति हो रही है, आपको लग रहा है? ये गंभीर और गंदी राजनीति चल रही है। हाँ। कि हमारे गौते साहब जी हैं, नवीन गौते साहब, बहुत बड़े पैमाने पे नाइक साहब के फैन हो। हमने जब भी देखा है नाइक साहब के बारे में बहुत अच्छा ओपिनियन हमेशा वो देते रहते थे। कुछ छोटा सा सीनियर सिटीजन ने कुछ उनके वार्ड में कुछ ये बनाया था, कुछ बांधकाम किया था। हाँ। तो उसके अगेंस्ट गौते के ऊपर FIR दाखिल हो गया, ये गलत काम गौते ने किया है। गौते ने तो किया नहीं था। यस। जिसने वो किया था सीनियर सिटीजन ने, वो खुद जाके सामने जाके उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि ये हमने बनाया है, इसमें गौते का कोई दोष है नहीं। लेकिन गौते साहब को अटकाने का है, अटकाएगा नहीं तो वो आएगा नहीं। मेरे को पूरा इस चीज़ समझ में आ रहा है कि गौते साहब गणेश नायक जी के ऊपर बहुत बड़े पैमाने पर प्यार करने वाला आदमी अचानक से कैसा जा सकता है। तो दबाने वाली राजनीति है, गंदी राजनीति कर रहे हैं। लेकिन न्यू बॉम्बे की जनता सुज्ञान है, सब कुछ जानती है, सब कुछ समझती है। और एक विकास पुरुष करके नायक साहब को हमेशा वोट करते हैं, तो इस बार भी उससे बढ़िया वोट हमको मिलेगा ऐसा हमको लगता है। क्योंकि ये जो राजनीति, गंदी राजनीति कर रही है, सूरज जी कुलकर्णी है, फिर गौती जी है, फिर यादव जी जिसके ऊपर अभी हमने रामाशीष यादव, उसके ऊपर भी उसको भी अटैक कर रहे हैं, उसको ब्लैकमेल कर रहा है कि आप नहीं आओगे तो आपको फिर जेल में डाल दिया जाएगा। ऐसे सारे लोगों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो दबने से कई लोग तो डरते हैं, कई लोग नहीं डरते। लेकिन ये दबाने की कोशिश या गंदी राजनीति नवंबर की जनता जान रही है। नवंबर की जनता नाइक साहब, मंदाताई, रमेश पाटिल और संगठन की पूरी जिम्मेदारी में लेके इस चुनाव में हम लोग आगे आ रहे हैं। और आने वाले समय में जनता के वोट के ऊपर, जनता के प्यार के ऊपर फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगेगा। हाल ही में महाविकास आघाड़ी का कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हुआ था, सारे बड़े नेता उसमें सानपाड़ा में मौजूद थे। उनका दावा था कि 111 जो महानगर पालिका की सीट है उसमें 75 से 80 सीटों पर महाविकास आघाड़ी आएगी। आपका दावा है कि महानगर पालिका में भाजपा का झंडा लहराएगा, ये सर कैसे है, क्या रणनीति है इसके पीछे? देखिए, हर टाइम सारे एक तरफ और नाइक साहब और ये एक तरफ होते थे, वो तो हमें उसके टेंशन नहीं। लेकिन महायुति के बड़े बड़े नेता उस दिन आए, छोटे कार्यकर्ता है किधर? छोटे वाले कार्यकर्ता गायब होने लगे हैं, हमारे पास आने लगे हैं। आज दिगा के वजह से हजारों लोगों ने हमारे पास प्रवेश किया हुआ है। ये चीज ऐसी है कि जब इनका टिकट देने का समय आ जाएगा, अगर उसने शिवसेना को टिकट दिया वहाँ पे एक वार्ड पे, तो हर वार्ड पे आज हर पार्टी में दो दो इच्छुक तो पक्के हैं। हाँ, बिल्कुल। तो पांच जो इच्छुक है वो नाराज होंगे, उसमें से चार इच्छुक कम से कम हमारे साथ में आएंगे। आज भी ऐसे लोग बोल रहे हैं कि घरत जी अगर हमको टिकट नहीं दिया तो हम आपके साथ आएंगे, आपके साथ बिन शर्त आएंगे, आपको मदद करेंगे, क्योंकि हमको गणेश नाइक साहब के अंडर काम करने की इसमें सहूलत मिलेगी, उनके पास जाने की सहूलत मिलेगी, तो हम आपके पास जरूर आएंगे। तो देखिए ये उल्टा पलट कैसे होगी बाद में, कि सारे कार्यकर्ता के साथ उनके जो की वोटर है, जिसे हम लोग समाज सेवक मानते हैं, सारे समाज सेवक भारतीय जनता पार्टी में जुड़ेंगे और बहुत बड़े पैमाने में हम लोग इसमें जीत हासिल करेंगे। एक दिन पहले ही आशीष शेलार जी आए थे और आप सभी नेताओं से प्रमुख तौर पर मुलाकात हुई है, क्योंकि वो नवीन भाई के चुनाव प्रभारी हैं तो जाहिर सी बात है कि उनका दौरा होगा। इसमें मंदा मात्रे एक साइड में थी, एक साइड में गणेश नाइक थे, आप एक धुरी आप हैं, आप सबके साथ थे, फिर रमेश दादा पाटिल हैं। ये ऐसा नहीं हो सकता था कि भाजपा के सभी लीडर एक ही जगह पर इस रणनीति को लेकर चर्चा करें? वो भी चीज़ होने वाली है। पहले तो स्टार्ट हर एक के निवास में जाके इंटरनल सब बैठक हुई। उस बैठक में उनका ओपिनियन लिया गया कि मंदाताई के घर में हम लोग पहले गए कि मंदाताई की क्या राह है इस इलेक्शन के बारे में, उनकी सारी राह जो है वो जान ली गई। उसके बाद हम लोग दादा नाइक साहब के पास गए, उनसे पूछताछ की और रूबरू अकेले, मैं भी अंदर नहीं था, मंदाताई की भी जब चालू तो बातचीत तो मैं बाहर निकला, नाइक साहब की भी बातचीत चल रही थी, हम लोग सब बाहर निकले।
तो ये सब हमारे अलग अलग जो कार्यकर्ते हैं, हमारे संघ के लोग हैं, हमारे मेन जो कमेटी के लोग हैं, उनसे अलग अलग शैलर जी ने बात की। ये बात हमारी इंटरनल थी और उस चीज़ का पूरा जायज़ा ले लिया गया। एक ऐसा पॉजिटिव सबका मीटिंग हुआ है। शैलर साहब लास्ट में मेरे घर पे आए, पूरा जायदा जो उन्होंने देखा कि बहुत बड़े पैमाने में अभी सब लोग खुश है, सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, छोटा सा मतभेद अगर हुआ वो भी निकल गया है, और एक अच्छे तरह से काम करेंगे, सब टीम बन के काम करेंगे, एकजुट बन के काम करेंगे। और आने वाले दिन में फिर नगर शोक के साथ ओपनली बैठेंगे, फिर हमारे कार्यकर्ते छोटे उनके साथ ओपनली बैठेंगे, ऐसे सिलसिला चालू रहेगा। अब जो आशीष जी शेलार हमको प्रभारी करके मिले हैं, हमारा भाग्य है कि एक अच्छा प्रभारी, एक दमदार प्रभारी जो दमंग प्रभारी है, हमारे भारतीय जनता पार्टी का जुड़ा हुआ, जड़ से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता है, ये हमको कोच करेगा, हमको टीच करेगा, और बहुत बड़े पैमाने में उससे हमको बहुत फर्क पड़ेगा। हमारे सारे कार्यकर्ते एकजुट होकर काम करने लगेंगे, ऐसा मेरे को पूरा विश्वास है। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का क्या अहम मुद्दा होगा, क्योंकि इस बार महाविकास आघाड़ी आपके अगेंस्ट में है, अगेंस्ट में इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ क्योंकि पहले एक पार्टी के खिलाफ लड़ाई थी, अब ये तीन पार्टियों के खिलाफ लड़ाई है, ऐसे में रणनीति क्या है और मुद्दा क्या रहेगा? नहीं, हमारा मुद्दा तो सिंपल है, विकास विकास और विकास। अभी तक का जो विकास हुआ है बहुत बड़े पैमाने पर हुआ है, लेकिन अभी बुलेट ट्रेन के स्पीड में ऊपर विकास करने का है, उस दिशा में हमको जाने का है। बाकी हमारा कोई एजेंडा नहीं है, हमको किसी को गिराने का नहीं है, हमको जीतना है। यही हम लोग संदेश लेके आगे निकल रहे हैं। उस दिन हमारा नायक साहब ने भी बोला है कि हमको हराने का देखने का नहीं है, हम जीतने का है, हम जीत के लोगों की सेवा करने की, यही काम हमारा है। इसके लिए हमारा एजेंडा कोई नहीं, हमारा एजेंडा एक ही है, विकास विकास और विकास। आशीष सेलार जी ने एक बात बहुत अहम कही थी कि महाविकास आघाड़ी में विवाद है लेकिन भारतीय जनता पार्टी में संवाद है, तो ये संवाद किस तरह से आगे बढ़ाया जा रहा है? बहुत बड़े पैमाने पे संवाद आगे बढ़ गया है, कल से बहुत बड़े संवाद हमारे हुए हैं। अभी आने वाले टाइम में अगले वीक में एक रणनीति तैयार कर रहे हैं, आने वाले वीक में ज्वाइंटली मीटिंग सारे होएगी और उससे संवाद बढ़ेगा, सबके साथ सबका विकास और सबका विश्वास, ये जो हमारा नारा है मोदी साहब का, वो नारे के ऊपर हम लोग चल रहे हैं। उस तरफ इतने ग्रुप है कि आपको सबको मालूम है, कांग्रेस के कितने ग्रुप, सेना के कितने ग्रुप, एक आदमी किसी को लेके जाता है दूसरे के पास, सामने बड़े बड़े लीडर के पास, तो दूसरा नगर सेवक नाराज हो जाता है, ऐसे सारे गुटबाजी जो है, राष्ट्रवादी हो, शिवसेना हो, ज़्यादातर पैमाने पे शिवसेना में गड़बाजी है, इतनी गंदी गड़बाजी है, मैंने उनको युति के टाइम नज़दीक से देखा है, इतनी गंदी गड़बाजी है। ये गड़बाजी होने की वजह से ये लोग कभी भी सत्ता पे अगर आते हैं तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे नवंबर के लिए। अच्छा, और इसके लिए नवंबर को जनता को मैं दरख्वास्त करूंगा, ये गंदे लोगों को आप कभी भी चुन के मत दे दो, क्योंकि गंदी राजनीति खेलने वाले लोग आपस में इतनी गंदी राजनीति खेल रहे हैं, हम इतने सालों से उनके साथ में है, निवम्बे में उनके साथ में है इतने सालों से, कि बहुत बड़ी गंदी राजनीति ये लोग करते हैं। तो इसके लिए आने वाले टाइम में शिवसेना को वोट मत दो, मैं ऐसा आपको अपील करूंगा, क्योंकि ये गंदी राजनीति वाले लोग हैं। इसके लिए आने वाले टाइम में भारतीय जनता पार्टी को ये निबम्बे के नागरिक चाहते हैं, मंदाताई को चाहते हैं, नायक साहब को चाहती है, रमेश दादा को कोली महासंघ से मेरे प्रकल्प अगस्त चाहते हैं, और मैं तो संगठन का बहुत बड़ा पैमाने पे काम कर रहा हूँ, इसलिए तो मेरे को डबल टर्म मिली है। तो हम लोग पूरी पकड़ की तरफ, पूरी पकड़ हमारी एकदम ये हुई है। तो मेरे को पूरा विश्वास है कि लोग शिवसेना को टालेंगे, कांग्रेस को टालेंगे, राष्ट्रवादी को तो खड़ा भी नहीं करेंगे, और इसी हालत में भारतीय जनता पार्टी का महापौर इस बार जरूर बनेगा। टीवी वन इंडिया ने एक पोल करवाया था अभी हाल ही में। अच्छा। और उसमें ये हमने सवाल पूछा था कि नवम्बई में किसका, किस पार्टी का वर्चस्व होगा और किसका महापौर होगा। जो हमने सवाल पूछा था उसमें ये कहा था कि महाविकास आघाड़ी की सत्ता होगी और एनसीपी का महापौर होगा। दूसरा जो सवाल था उसमें कि महाविकास आघाड़ी की सत्ता होगी और शिवसेना का महापौर होगा, और तीसरा जो सवाल था कि मनसे का महापौर होगा, और चौथा जो हम सवाल था कि बीजेपी की सत्ता होगी और गणेश नाइक का महापौर होगा। मैं आपको एक जानकारी देता हूँ, 54% लोगों ने
बीजेपी और गणेश नाइक को सत्ता देने के लिए स्वीकार किया है। अभी ये 3 दिन पहले का पोल है जो मैं आपको जानकारी देता हूँ। महाविकास आघाड़ी की जीत होगी और एनसीपी का महापौर बनेगा, 0% लोगों ने उसको ये किया है, और शिवसेना के लिए 23% लोगों ने स्वीकार किया है कि महाविकास आघाड़ी का ये होगा। कांग्रेस का उसमें कोई नामो निशान नहीं है, मनसे का कोई नामो निशान नहीं है, तो ये मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए एक अच्छा संकेत है। अगर साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि वाकई जनता आपको चाहती है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि नवीनभाई कैसे तमाम अभी भी मसले वैसे ही जिंदा हैं जैसे 15 साल पहले जिंदा थे। जैसे आपके सामने अभी शुरुआत हुई है रीडेवलपमेंट की, गौठानों के जर्जर गौठानों के विस्तार को लेकर और सिटी सर्वेक्षण को लेकर, उनको वहाँ के गर्जे पे पोटी घरों को रेगुलर करने को लेकर, और तीसरा जो सबसे अहम मुद्दा है कि झोपड़पट्टियों के पुनर्विकास को लेकर। आप बतौर जिलाध्यक्ष एक पार्टी के यहाँ के मुखिया होने के नाते, और चुनाव में आप एक्टिव पार्टिसिपेशन आपका वैसे भी रहता है, आप खुद भी नगर सेवक हैं, एक लोक प्रतिनिधि होने के नाते आपको नहीं लगता कि ये तीनों मुद्दों को अब शीघ्रता के साथ जो है निपटा देना चाहिए नवीन भाई के, क्योंकि इससे तमाम विसंगतियां, तमाम समस्याएं स्थानीय लोगों को? नहीं, एक्चुअली ये समस्या बढ़ाने का काम ये 3 पार्टी ने ही की है अब तक। जब हम लोग सत्ते पे थे, मैं और नंदाता जी, हम लोग CM से मिले, तुकाराम मुंडे को हमने रोका, इनको साथ में आने के लिए बोला, ये आए नहीं। और गणेश जी नाइक साहब को सबसे बड़ा ये सब काम करने में बहुत इंटरेस्ट था, वो तन मन धन से वो काम करने लगे थे, लेकिन कांग्रेस वाले ने उनको रोका। आपने सुना होगा कि उनके CM के हाथ को लकवा मारा है, ये चीज भी पवार साहब ने कही थी। तो इनको कभी भी प्रकल्पग्रस्त हो, नागरिक हो, उनका काम नहीं करने का है, इनको सत्ता भोगने का देखने का है। इनके सब गुड़बाजी है ना, गुड़बाजी में उनको बिखरे हुए रखना ही चाहते हैं वो लोग। इसके लिए इनको नागरिक के साथ कोई लगन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जब सत्ते पे आएगी 101% ये सारे काम तुरंत 3 महीने में, 100 दिन में, ये सारे काम 100 दिन में, 3 महीने में हम लोग ये करके दिखाएंगे। इसमें बहुत सारी दिक्कतियाँ थी, उसको एक एक को बाजू करके रास्ता निकाल के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और हमारे सम्मानीय आज के विरोधी पक्षी नेता फडणवीस साहब ने भी हमको बहुत अच्छा सपोर्ट किया उस टाइम, बहुत बढ़िया बढ़िया तरह से काम चालू था। और उतने में हमको दगा फटका हो गया, उसके लिए ये कर नहीं पाए। लेकिन आने वाले टाइम में महानगर पालिका जब हमारे हाथ में आते 100 दिन में, आने वाले 100 दिन में बहुत बड़ा पलटवार होने वाला है, राजनीति में बहुत बड़ी चेंजिंग होने वाले है। अच्छा। और ये चेंजिंग पूरी भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाएगी, और मैं इसी मन से आपको कहता हूँ 100 दिन में इसी मंच पे आऊँगा और प्रकल्पग्रस्तों का और इन दो चार रुके हुए सवाल है उसको पूरी तरह से जवाब लेके मैं यहाँ पे आपके पास बैठूंगा। 100 दिन का खाली हमको टाइम चाहिए। इम्पोर्टेंट जो 2-3 फैक्टर्स हैं, मैं उसके बारे में थोड़ा जानना चाहता हूँ। विजय चौगले देवेंद्र फडणवीस के बहुत करीबी माने जाते हैं, नरेंद्र पाटिल बहुत करीबी माने जाते हैं, क्या ये दोनों जो प्रमुख नेता हैं जो अब तक NCP और शिवसेना के साथ रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के को समर्थन कर रहे हैं क्या? ये तो बड़े लोग हैं, हम लोग, मैं तो उसके लिए छोटा हूँ, लेकिन मैं कई चीज़ देख रहा हूँ, हलचल देख रहा हूँ। वो हलचल में मेरे को ये दिख रहा है कि बहुत बड़े पैमाने पे शिवसेना के, राष्ट्रवादी के लोग हमारे संपर्क में है। कई लोग हमसे बात करके छुपे हुए हमको मदद करेंगे, उसमें इस न्यू बॉम्बे के बड़े बड़े लीडर भी हैं। अभी मैं नाम नहीं ले सकता उनका, लेकिन मेरे संपर्क में कई लोग हैं, कई लोग दादा गणेश नायक के संपर्क में हैं, कई मंदाताई के संपर्क में हैं, और अंदर से छुप छुप के बहुत बड़े पैमाने पे शिवसेना और राष्ट्रवादी के कार्यकर्ते और बड़े लीडर भारतीय जनता पार्टी को मदद करने वाले हैं। आने वाले समय में क्या प्रमुख चीज़ आप कहना चाहेंगे कि जो नवम्बई में नई प्लानिंग होगी स्मार्ट सिटी को लेकर? ऑलरेडी पहले ही नाइक साहब ने नकार दिया था कि ऑलरेडी जो नवम्बई सिटी जो है वैसे ही स्मार्ट है पहले से, तो इसमें अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्या अब स्थितियाँ बदली हैं? क्योंकि भाजपा सरकार की ये नीति थी कि स्मार्ट सिटी होनी चाहिए, ऐसे में जब अब आपकी सत्ता आएगी तो क्या नवम्बई को वाकई स्मार्ट सिटी के रूप में तब्दील करने की कोशिश होगी आपकी, आपका लक्ष्य होगा? बहुत बड़े पैमाने पे ये स्मार्ट सिटी है।
और आने वाले टाइम में जो ट्रैफिक का ये है प्रॉब्लम्स है, वासी से लेके घनसोली तक का जो रोड है उस पर बहुत बड़े पैमाने पे फ्लावर बीच बनाने हैं, यस हाईवे की तरफ भी बहुत बड़े पैमाने पे कहाँ कहाँ पे ट्रैफिक होते हैं वहाँ पे ब्रिजेस बनाने हैं। दूसरा मेन तो मुद्दा है कि प्रकल्प गस्ते का गर्जेपुटी घर का जो काम रुका हुआ है वो है। डीपी प्लान तो हमने आगे पुश कर दिए है, वो भी शायद पब्लिश होने वाला है, तो उसमें बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे कहीं कहीं हमारे जो रिजर्व प्लॉट है उससे पब्लिक के सेवा में आने के लिए वो काम बाकी है। ये सारे काम हमारी भारतीय जनता पार्टी के सत्ता आने के बाद ये सारे काम हम लोग 3 या 4 साल में पूरे नवंबर को सारे काम करके दिखाएंगे। आखिरी का साल जो रहेगा वो साल में सिर्फ न सिर्फ पब्लिक का ओपिनियन लेने का काम रहेगा, क्योंकि पूरे 4 साल में जितने भी काम हमारे रुके हुए हैं वो सब करके दिखाने वाले हैं हम लोग। 4 साल के बाद वापस आऊंगा और ये सारे काम मैं आपको बताऊंगा जो हुए रहे। केंद्र सरकार का आत्मनिर्भर अभियान चल रहा है जिसमें वित्त मंत्रालय 8,900 करोड़ तकरीबन फंड एलोकेट किया गया है, और उसका मकसद यह है कि जो छोटे कारोबारी हैं, जो उद्यमी हैं, उनको प्रोत्साहन दिया जाए। लेकिन एक ऐसा सवाल उभर रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट यहाँ जो महाराष्ट्र में खासकर इस आत्मनिर्भर अभियान को सही तरीके से लागू नहीं कर पा रही, आपकी क्या कोशिश होगी, क्या नवम्बई, क्योंकि नवम्बई एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ एशिया के सबसे बड़ा कारोबारी स्थल है, APMC है, उसके बाद MIDC है और दूसरे जो प्रतिष्ठान हैं, तो ऐसे जगह पर क्या छोटे कारोबारियों को, उद्यमियों को, SMEs को प्रोत्साहन करने के लिए आप लोगों की कोई पहल होगी कि आत्मनिर्भर अभियान को यहाँ पर लागू किया जाए? ये बहुत बड़ी गंदी राजनीति खेल रही है महाराष्ट्र शासन। लॉकडाउन के कालखंड में कितने लोग भूख से मरे, कितने लोगों ने आत्महत्या किया, सुसाइड किया, आपको मालूम है? फूल वाले है, प्रसाद वाले है, हेयर कटिंग वाले है, होटल में रहने वाले जो इनके काम करने वाले छोटे मोटे लोग हैं, सारे छोटे छोटे टपरी वाले लोग हैं, इन लोगों की क्या हालत की। मैं अभिनंदन करूंगा, आभार व्यक्त करूंगा हमारे देश के पंतप्रधान मोदी साहब का कि उन्होंने 6 महीने हर घर में हर पर्सन को 5 किलो चावल, 1 किलो दाल फ्री में दे के बहुत लोगों का खाने का इंतजाम किया, रहन सहन का इंतजाम करना, ये सारी चीज में उन्होंने आत्मनिर्भर भारत की तरफ से छोटे छोटे लघु उद्योग के लिए अपना योगदान देने के लिए काम किया। बैंक के बहुत सारे इंटरेस्ट कम हो गए। कोई आप चीज लघु उद्योग के लिए कोई मशीनरी लेते हो तो 15% आत्मनिर्भर भारत की तरफ से उसको फंड आ जाता है। ये सारी चीज हो रही है, उससे आहिस्ता आहिस्ता ये लॉकडाउन के बाद छोटे छोटे लघु उद्योग वाले उभर रहे, अपने काम में आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे हैं। इसका पूरा बेनिफिट मैं मोदी साहब को दूंगा कि ये आत्मनिर्भर भारत की वजह से ये सब सारी चीज हो रहे हैं। लेकिन इन्होंने बहुत गंदी राजनीति खेली, गरीबों के ऊपर इन्होंने ध्यान दिया नहीं है। इन्होंने लाइट का बिल कम कर रहा हूँ ऐसा अलाउंस किया, उनके कैबिनेट में ठहराव पास हो गया कि 25 या 30% हम लोग उनको बेनिफिट देंगे। आज भी बेचारे गरीब लोगों को वो लाइट बिल माफ नहीं कर रहे। मेरा तो कहना है लाइट बिल माफ मत करो, जो आपके टैक्सेस है ना, आप जो टैक्सेस खा रहे हैं ना, कम से कम वो तो निकाल दो ना यार। मैंने एक मेरे एक गरीब का बिल था, सीनियर सिटीजन कपल था, मेरे पास आया, 700 रुपये का बिल है उनका 1 महीने का, उसमें बेसिक बिल कितना है 298, 298 रुपये बेसिक बिल है, बाकी सारे ऊपर के पैसे इनके टैक्सेस है, अधिभार है, इनका सर्विस चार्ज है, ये 16% अधिभार है, सर्विस चार्ज 1.45 रुपये यूनिट है, फिर उसका रेंट है, ये सारे चीज मिला के वो 700 रुपये बन जाता है। तो मेरा ये कहना है कि आप हमको डिस्काउंट मत दो। आपने ये लॉकडाउन में मेरे को क्या सर्विस दिया, लाइट जैसा आया वैसा आया, मेरा केबल जल गया, मेरा कुछ ये हो गया, मेरे को नया मीटर मांगता है, तो लॉकडाउन है आपने दिया ही नहीं, दिया नहीं, यस। तो फिर आप सर्विस चार्ज क्यों ले रहे हो? 16% सर्विस चार्ज अगर आप लेते हो तो वो भी अगर कम हुआ तो पब्लिक को राह मिलेगी। तो आज भी ये लोग देने का नहीं बोल रहे हैं, मतलब सारे चीज होते हुए, हाँ बिल्डर को दे रहे हैं, बिल्डर आगे बढ़ना चाहिए, बिल्डरों को दे रहा है, वो आगे नहीं बढ़ेगा तो कैसा चलेगा, उनके पेट कैसे भरेंगे। उस दिन तो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने आपके सामने शायद बोला कि मैं और किधर था कि होटल तो चालू करना चाहिए, बेचारे इन्होंने इतना बड़ा प्रॉपर्टी लिया है उनका क्या होगा।
तो मैंने बोला होटल को जिंदा रहना है, ठीक है, किसी को जिंदा रहने का हक है, तो मंदिर चालू करो ना। मंदिर के फूल वाले, टपरी वाले, प्रसाद वाले भूखे मर रहे हैं, उनका क्या, वो मरेगा तो चलेगा बोलते हैं, लेकिन बार वाले जिंदा होना चाहिए। तो ये सारी चीजें ना इनकी गंदी राजनीति है। आने वाले टाइम में आत्मनिर्भर भारत के ओर से हम लोग बहुत पैमाने पे महिलाओं का भी काम कर रहे हैं, कम से कम 16 ऐसा ये है कि महिलाओं के लिए आत्मनिर्भर भारत से हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे काम सम्माननीय मोदी साहब की तरफ से हो रहे हैं, मैं उनका अभिनंदन करूँगा, आभार मानूंगा कि नवमे के बहुत सारे लोग उनका लाभ ले रहे हैं। सर, आप खुद भी एक प्रभाग से कंटेस्ट करते हैं, किस तरह की तैयारी है, कौन सा प्रभाग इस बार आप चुन रहे हैं? मेरा जो गांव का विलेज का जो प्रभाग है 66, वहाँ से मैं दो बार चुन के आया, मेरा वाइफ और मैं, तीसरी बार में भी वही से लड़ूंगा, क्योंकि ये मेरा, जहाँ पे मेरा जन्म हुआ है, जिस जन्म भूमि को मेरे आने से पहले ऐसा लग रहा था कि बिहार का एक आधा विलेज रहता है ना, वैसी हालत हुई थी। तो मैंने तो इस बार वहाँ पे कमाल ही कर दिया है। मैं विरोधक होते हुए भी, अपोजिशन में होते हुए भी 25 करोड़ के काम अंदर के छोटे से गांव में कर दिए है। तो उसी प्रभाग को मैं चुनूंगा और वहीं पे काम करूँगा। तो मेरे को लगता है कि मेरे जो गांव वाले हैं समझदार है, बहुत अच्छे पैमाने पे दो बार हमको चुन के दिया है, अभी भी मेरे को चुन के ही देंगे, ऐसा मेरे को पूरा विश्वास है और मैं वही से लड़ूंगा। सर, कुछ खास योजना उस प्रभाग के लिए आपने तैयार की हो कि इसमें जो नहीं हो पाया, चूंकि आप विपक्ष में बैठ गए थे, तो ऐसे में जब अभी आपको ये मौका मिलेगा, आपकी सत्ता होगी, तो किस तरह की बड़ी प्लानिंग है उस प्रभाग में आपके 66 में? मेरे प्रभाग में मैंने इस बार स्कूल बनाए, ग्राउंड को ये कर दिया, रिवर्शन कर दिया, तालाब को शुशुभकरण कर दिया, मैं बहुद्देश्य बिल्डिंग बना रहा हूँ जिसमें मेरी बहुत आस्था, हमारे गांव के जो सीनियर सिटीजन महिलाएं हैं उनकी बहुत बड़ी आस्था थी कि ये चीज़ होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए। 25 साल से वो बेचारे रो रहे थे कि ये चीज़ होनी चाहिए, वो चीज़ को मैं बना रहा हूँ बहुत बड़े पैमाने पे। मैंने बहुत सारे रोड्स कॉन्क्रीटीकरण कर दिए बाहर के, बहुत बड़े पैमाने पे काम किए। आने वाले टाइम में मैंने व्यायामशाला तो बनाई है, लेकिन वो व्यायामशाला मेरे को 3 माले की बनाने की है, जिसमें युवक, सीनियर सिटीजन और युवती, जो लेडी, यंग लेडी है, उसके हिसाब से उनको भी, उनका भी आरोग्य अच्छा रहना चाहिए। तो उनके हिसाब से एक पूरा माला देने का मेरा प्लानिंग है। ये तीनों घटक को मैं व्यायामशाले को 3 माले करके ये देने वाला हूँ, वो कर रहा हूँ। इंटरनल पूरे रोड RCC करने का मेरा प्रयास है, और जरूर नहीं जरूर इस बार किसी भी हालत में गार्डन बना के दूंगा, उद्यान बना के दूंगा लोगों को। हमारे तुर्बे में एक भी उद्यान नहीं था, अभी इस बार किसी भी हालत में मैं वहाँ पे उद्यान बना के दूंगा। सर, मैं अभी आपसे पार्टी से जुड़ा हुआ दो आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। हर बार चुनाव में जब मौका मिलता है कैंडिडेचर के लिए, तो सभी समाज के लोग निश्चित तौर पर आगे आते हैं और अपने लिए प्रतिनिधित्व की मांग करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ एक सकारात्मक पहलू ये है कि इससे बड़े पैमाने पर बाहरी लोग जुड़े हुए हैं, स्थानीय लोग भी जुड़े हुए हैं, और बाहरी लोग बहुत बड़े कैडर है भाजपा का। इस बार क्या ऐसा प्रयास होगा आपके तरफ से कि जो ऐसे लोग जो परप्रांतीय हैं या जो हिंदी भाषी लोग हैं, उन लोगों को भी प्रमुखता दी जाए लोक प्रतिनिधित्व के लिए? कैसी प्लानिंग रहेगी? हमारी प्राथमिकता हमेशा ही रही है। अभी लास्ट बार भी हम लोग यहाँ के प्रकल्पग्रस्त है, उसके 2 गुना हमने बाहर से जो लोग हैं उनको टिकट दिए। ये कॉस्मोपॉलिटन शहर है, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। हमारा पूरे वार्ड का एक बार सर्वे हो चुका है, दूसरे बार का सर्वे शुरू है। जो जगह पे जिस प्रांत के लोगों का प्रभाव है, उसी प्रांत का वहाँ पे हमको कैंडिडेट देना है। और हमारी रणनीति वही रहती है। हम लोग किसी को नाराज नहीं करेंगे, जो भी उभर के आएगा, जो भी काम करेगा, भले वो कौन से भी जात का, धर्म का, कास्ट का होने दो, उसी को टिकट जरूर मिलेगा। आखिर में आपसे संदेश लेना चाहेंगे, क्या आप कहेंगे युवाओं को, खासकर नवीनबाई के उन वोटरों को जो हमेशा आपके साथ रहे हैं, नाइक साहब के साथ रहे हैं, और इस बार जबकि बड़ी चुनौती है जीत की, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? पहले तो मैं सबको ये संदेश देना चाहूँगा कि आप वोट किसको भी दो, लेकिन वोट करने आ जाओ। वोट करना ये बहुत बड़ा काम है, समाज हित का काम है, इसके लिए आपको वोट करना बहुत जरूरी है।
उसके बाद तो मेरा लालच तो रहेगा कि मेरे को ही वोट करो, भारतीय जनता पार्टी को वोट करो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जो लोग अभी नए तरफ से आए हैं, जो हम लोग हैं, वो अच्छे तरह से काम कर रहे हैं, इस महानगर पालिका में रह के नवी मुंबई का विकास कर रहे हैं। जो जो विकास के मेन मेन काम थे वो तो कर चुके हैं हम लोग, छोटे मोटे जो रुके हुए हैं, जो विरोधियों के कुछ गड़बड़ से रुके हुए, वो भी करना चाहते हैं और वो भी जरूर करेंगे। तो लोगों को यही बोलूँगा कि आप आ जाओ, वोट करो, और विकास करने वाला, सच्ची में काम करने वाला उसी आदमी को आप वोट दो। मैं ये नहीं बोलूँगा कि मेरे को ही मेरा कोई भी आदमी रहेगा उसको वोट दो, लेकिन आप आदमी देख के, उसका विकास का काम देख के, न्यू बॉम्बे का जो हैंडलिंग करने वाले जो लोग हैं हमारे पार्टी के, दादा गणेश जी नायक भी है, मंदाता जी भी है, रमेश दादा भी है, मैं भी हूँ, इनको देख के भी आप वोट दीजिए कि ये लोग कैसे तरह से काम कर रही है। हमारा काम अगर अच्छा नहीं होगा तो भले हमको वोट मत दो, लेकिन काम अगर अच्छा है तो उसको आप जरूर वोट देना। यही मैं संदेश देना चाहूँगा, क्योंकि 25 साल से गणेश नायक साहब ने इसके ऊपर नई मुंबई महानगर पालिका के सब नागरिकों ऊपर प्यार किया है। यस, नागरिकों ने उसके ऊपर प्यार किया है, और ये एक समय ऐसा आया है कि ये समय में वापस एक बार नायक साहब के साथ खड़े रहने की आपको बहुत बड़ी जरूरत है, और ये आप करेंगे ऐसा हमारा पूरा विश्वास है। सर, आखिरी सवाल, महाविकास आघाड़ी के मुकाबले में बीजेपी कितनी सीटों पर जीत दर्ज करेगी, और महानगर पालिका में अपना महापौर बिठाने का किस तरह से प्रयास करेगी, कितनी सीटों पर जीत और किस तरह महापौर को बिठाएगी? मेरे पूरे प्लानिंग हो चुके थे, स्ट्रेटजी बन गई थी, लेकिन कोविड आया बीच में, उसमें मेरा पूरा सर्वे हुआ था, मेरे पार्टी का भी सर्वे हुआ था। उसमें सर 50 नगर सेवक ऐसे हैं हमारे में जो वन साइड चुन के आते हैं, उनके सामने कोई कैंडिडेट स्ट्रांग नहीं है, ऐसा सादा कैंडिडेट जिसने पब्लिक के साथ में कभी देखा नहीं, ऐसे कौन ऐसे कैंडिडेट। तो 50 सीट तो हमने पहले ही जीत चुके हैं, रह गए 61। 61 में 30 सीट ऐसे हैं जो किसी भी हालत में हमको आने वाली सीट दिख रहे। देखिए, आज भी मेरे पास से 11 गए, 8 मेरे में आए, आज भी हम लोग 57 सीट मेरे हैं, 4 सीट स्वीकृत नगर सेवक है, ऐसे 61 नगर सेवक मेरे पास है। yes. और मेरे को 61 नगर सेवक ही चाहिए जीतने के लिए। तो 61 वैसे तो चाहिए महापौर के लिए 56, yes. लेकिन अगर स्थायी समिति है तो ये स्टैंडिंग वगैरह है तो 60-61 सीट चाहिए, उतने अगर तो नगर सेवक तो मेरे पास आज भी है। तो मेरे को इस रणनीति में जो हमने स्टडी किया था उसमें ये पूरी तरह से मेरे को विश्वास है, कॉन्फिडेंस है, घमंड नहीं, विनम्र से कहता हूँ कि 75-80 सीट भारतीय जनता पार्टी के पर्दे में आ जाएगी, और महापौर भारतीय जनता पार्टी का ही होगा। मैंने आप हर महाआघाड़ी के कांग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना, इनको पूछ के देखो कि महापौर किसका होएगा, वो जवाब नहीं दे पाएगा। मैं जवाब देता हूँ, मैं अभिमान से कहता हूँ कि मेरे पार्टी का, अगर मेरी पार्टी बहुमत में आती है तो भारतीय जनता पार्टी का ही महापौर बनेगा, और ये आप आने वाले दिन में देख सकते हैं। तो ये थे बीजेपी के सीनियर लीडर और नई मुंबई के जिलाध्यक्ष रामचंद्र घर साहब, जो हमारे तमाम सवालों का जवाब दे रहे थे। जैसा कि आपने सुना कि आपका संकल्प है, आपका विजन है, आपकी रणनीति है कि नई मुंबई महानगर पालिका चुनाव में महाविकास आघाड़ी को हराकर 75-80 सीटों पर जीत हासिल करेंगे और मनपा में बीजेपी का ही महापौर बैठेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपका जो संकल्प है, आपका जो विजन है, आपकी जो रणनीति है, उसमें आप सफल हों, हम आपको शुभकामना देते हैं। आज की बातचीत में बस इतना ही, अगली बार हम फिर किसी नई शख्सियत के साथ दोबारा आपसे रूबरू होंगे। तब तक दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए खबरों का नया अड्डा, टीवी वन इंडिया। नमस्कार। नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।